बाल पे लगाओ। ऑयल है? बाहर आ जाओ, खाली पीली हमसे मेहनत मत करा। अरे अपनी बीवी को लेने आया है ना, तो मर्द का बच्चा है, बाहर निकल, उसके पीछे क्यों छुपा है? मैं भागने को कहूँ तो भाग जाना, मुझे भरोसा रखो, ट्रस्ट मी। अरे यार रघु, ये लोग ना पब्लिक के सामने गिटार हाथ में ले लेते हैं, और जब मुकाबले की बात आती है ना तो बीवी का पल्लू ले लेते। तुमने बुला और हम चले आए क्या भाई लोग? कब से मेरे पीछे भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो मेरे पीछे? क्योंकि पता है मेरे पीछे ना सिर्फ मेरे फैंस भागते हैं। देखो अगर ऑटोग्राफी चाहिए तो मेरे घर आ जाते। मेरी बीवी को किडनैप करने की क्या जरूरत थी? व्हाई टनी व्हाई? ज्यादा शाना मत बन, कहाँ है तेरी बीवी? बीवी बीवी आए। बीवी कहाँ गई? अरे इतनी मुश्किल से तो बचा के लाया था, कहाँ गई? इसकी बीवी नहीं, चावी हो गई, गुम गई। अरे ये अपना मजाक बना रहा है। मजाक के अलावा और बहुत कुछ बना सकता हूँ, जैसे कि चुप चुप बैठो। यार रघु ये डरा रहा है अपन लोग को, डर गए हम लोग। क्योंकि मैं अकेला तुम सब पे भारी पड़ रहा हूँ। रॉकस्टार साहब, बहादुरी कह के नहीं करके दिखानी होती है, हिम्मत हो तो नीचे आ जाओ, मैं अकेला काफी तुम्हारे लिए। अरे तुम लोग लुका छुपी में एक्सपर्ट हो ना, तो मैं भी ना कबड्डी में एक्सपर्ट हूँ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आ जाओ, कम ऑन कबड्डी 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 कबड्डी। गुस्सा निकल के चला जाता है, जैसे मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। रिलैक्स, मेरे पास तुम्हारे लिए इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है ना, जिसके बाद तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। पहले तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि इस वक्त मुझे एक ही न्यूज़ खुश कर सकती है। जो न्यूज़ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। मैं उस कॉर्पोरेटर से मिली थी। मुझे आलिया को सब बता देना चाहिए कि मुझे तनु पे शक है, फिर वो अपने आप ही तनु से सारी डिटेल्स निकालेगी। पर तनु तो आलिया की फ्रेंड है, क्या वो मेरी बात पे यकीन करेगी? आलिया बदल चुकी है, वो मेरी कुछ हेल्प करेगी। आई थिंक आई शुड टॉक टू हर। इतनी अच्छी खबर सुनाई तुम्हें और तुम अभी भी ऐसे सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हो। क्या तुम्हारी लाइफ से परमानेंटली जाने वाली है? आलिया मुझे रिजल्ट चाहिए, प्लानिंग नहीं, क्योंकि आज तक हमने जो कुछ भी प्लान किया है हुआ उसका उल्टा ही है। तनु इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगर प्रज्ञा बच गई तो? बच गई तो भी प्लान है। सुनो, अगर प्रज्ञा बचकर हमारे घर में वापस आ जाती है तो वो कॉर्पोरेटर का नाम बता देगी कि उसने उसे किडनैप किया था, और फिर कॉर्पोरेटर जब पकड़ा जाएगा तब वो हमारा नाम बताएगा, राइट? लेकिन हमें कुछ भी करके उसके पकड़े जाने से पहले भाई के सामने उससे बहुत बड़ा झगड़ा करना होगा। इतना बड़ा झगड़ा करना होगा कि भाई को उसके ऊपर से विश्वास ही हट जाए, ताकि जब सबके सामने वो हमारा नाम ले तब भाई अच्छे से समझ जाए कि वो हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सब कुछ हमें अभी इसी वक्त एंड एज सून एज पॉसिबल करना होगा। इस पूरी किडनैपिंग में मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है। आई मीन लुक एट दिस, बुलबुल तो मेरी लाइफ में अभी भी है। किडनैप करना था बुलबुल को, लेकिन हो गई किडनैप प्रज्ञा। बुलबुल, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें कैसे पता कि किडनैपर्स दी को नहीं बल्कि मुझे किडनैप करने वाले थे?
भाई से मेरी बात हुई ना फोन पर, उन्होंने ये सब कुछ बताया। पर जीजू का तो फोन लग ही नहीं रहा था, मतलब आलिया झूठ बोल रही है। पर क्यों, कहीं किडनैपिंग के पीछे आलिया तो नहीं? मुझे इस पे नजर रखनी होगी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, वो मैं बस दी के लिए परेशान थी। अकेले नहीं जाता ना तो वो हम दोनों को पकड़ ले। एक तो तुम्हारी मदद करो, तुम्हें बचाओ, ऊपर से तुम मेरी क्लास ले। अगर उन लोगों की कंपनी इतनी अच्छी लगती है ना तो चली जाओ ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब था कि वो डेंजरस हो सकता था, उनके पास गन हो सकती थी। हां गन तो हो सकती थी, ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती। कैसे बताती, आपने ही कहा कि फेथ रखो। तो फेथ रखने को कहा, ब्लाइंड फेथ नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे क्या पता था आप ऐसे हीरो बनके सबके सामने अकेले चले जाएंगे। क्या जरूरत है, हीरो हूं मैं, अब ऐसे बाहर कैसे निकले? गोरा बाहर जाने का रास्ता, चलो मेरे साथ। तुम कहां जा रही हो? तुम एक काम करो, तुम यहां पर छुप। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। हीरो कौन है? मेरी बात सुनो और छुप जाओ। तुम यही पर छुपी रहना, और जब तक मैं आवाज ना दू बाहर मत आना। मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यार मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा। आपने मेरा प्यार पर भरोसा बनाए रखा, बस बस अब हमारा साथ भी बनाए रखना। मैं बाहर आऊं? क्या करी? तुम्हारी रस्सी किसने खोली? हाँ, भागने की कोशिश कर रही थी यहां से। ए, रुक! छोड़ो मेरा हाथ! कहाँ जा रही है? ना छोड़ो! पुल तक पहुंचने का कहा था कि भागने की कोशिश भी मत करना, लेकिन तू मेरी एक नहीं मानी ना। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। इस पूरी किडनैपिंग के पीछे तुम यहां आए कैसे? तुम्हें यहां का पता किसने बताया? तू तो उस दुकान से भाग गया था ना? भागा नहीं, बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बनाए। हमारे आदमी ही मुझे यहां तक ले आए। ए, रघु, मुन्ना, कहां हो तुम लोग? रघु, कॉर्पोरेट, बताया तेरे आदमी भी ना बिल्कुल तेरी तरह। इतने सारे आदमी और मुझे अकेले को नहीं संभाल पाए। चाहता क्या है तू? पहले तूने प्रज्ञा के फैमिली हॉल को छीनने की कोशिश की, उसके बाद प्रज्ञा को किडनैप करने की कोशिश की,
सिर्फ एक गलती मेरी भी है। मुझे उसी वक्त जान जाना चाहिए था जब तू मेरे घर हेल्प करने के बहाने जासूसी करने आया था। तूने अपनी गलती दोहराया लेकिन मैं अपनी गलती नहीं दोहराता, उसे सुधारता हूं। मैंने प्यार से तुझे समझाया था मेरी फैमिली पे नजर मत डालना लेकिन तू नहीं माना। अब मैं तुझे तेरे भाषा में समझाऊंगा तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा को किडनैप करने की, मेरी बीवी को, मेरी दादी की बहू को। देख मैं बोल रहा हूं ना कि प्रज्ञा जी को किडनैप नहीं करना था, गलती से हो गई। अब सुधारना चाहता तू एक काम कर, अपनी बीवी को लेके यहां से चले जा और भूल जा कि यहां पे कुछ हुआ था, बात यही खत्म कर देते, क्या बोलते हैं? That's a good offer. और बोल बोल, उसे भी भूल जाओगे ठीक है ना? तुम इधर कोने में क्या कर रहे हो, बीच में? I'll give you an offer. ये शहर छोड़कर चले जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारा यहाँ से कोई लेना देना भी था। तू क्या कह रहे? ये मेरा शहर है, मेरा 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 परिवार यहाँ पर है, मेरा काम यहाँ पर है, मैं कैसे छोड़ूंगा? ऑफर खत्म। इसलिए तुम्हें मुझे छीना है पूरा। बुलबुल यू ओके? किससे बात कर रही हो आलिया? तुम्हें कैसे पता कि किडनैपर्स दी को नहीं बल्कि मुझे किडनैप करने वाले थे? भाई से मेरी बात हुई ना फोन पर, उन्होंने ये सब कुछ बताया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को किडनैप करने की? बोला ना गलती हो गई, बुलबुल चाहिए थी मुझे। नाम नाम मत ले उसका, क्या की फैमिली मेरी फैमिली और बुलबुल मेरी बहन जैसी। अब तू ये सोच कि तूने उन सब के साथ क्या क्या किया और अब मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगा। देख मुझे मार मत, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। क्या कर ले? तुझे मौका दे रहा हूं, अपनी बीवी को लेके भाग जा यहां से, समझा? एक तरफ मुझसे माफी मांग रहा है, दूसरी तरफ मौका भी देगा। ये मौका मैंने तुझे दिया, अब दूसरा मौका बुलबुल को पूछा और दोबारा मेरे परिवार पे नजर डालने की कोशिश भी मत कर। बुलबुल मेरा प्यार है, मैं प्यार करता हूँ उससे। तुझे मतलब मेरे प्यार करना है? तेरे प्यार का मतलब उस दिन तुझे तेरा प्यार याद नहीं है जब तूने सबके सामने प्रज्ञा की फैमिली और बुलबुल को बदनाम किया था, तब तेरा प्यार कहा था? आज तेरी वजह से वैलेंटाइन डे पर सब लोग एक दूसरे से अलग है। मैं तेरा वो कॉल करूंगा ना कि बुलबुल तो क्या, अगर गलती से तेरी शादी भी हो गई ना तो वो अपने पत्नी से प्यार करने से डरेगा। मेरी बात सुन, देख मेरी कोई गलती है, मैं बुलबुल से सिर्फ प्यार करता हूं, मेरी बात तो सुन। तू ए, 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 रोशनी
डॉट सिंह देख तू हाथ से मारना चाहता ना मार दे लेकिन ये रॉड से मत मार प्रज्ञा जी आप ही समझाइए ना इसे मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ सच्चा प्यार रोड नीचे कर वरना तेरी पत्नी का भेजा नीचे होगा जान पहचान ली तूने तो मेरी वाह कुछ पता चला कोई फोन आया वहां पता चल जाएगा आप प्लीज टेंशन मत लीजिए कैसे ना लूटे अभी को प्रज्ञा का पता नहीं चल रहा पुलिस को प्रज्ञा का पता नहीं चल रहा कैसे जैसे सब में बीतता जा रहा है मेरी हिम्मत जवाब दे रही है बेटा माँ भरोसा रखिए दी मिल जाएगी जीजू और दी को कुछ नहीं होगा मैं हूँ ना माँ जीजू को क्या हुआ अभी को कहाँ कहाँ है अभी जीजू यही है माँ उन्हें कुछ नहीं बिल्कुल देख तूने अभी कहा ना कि कुछ नहीं होगा अभी को वो माँ मैं बस वो टेंशन की वजह से बिल्कुल तू झूठ बोल रही है ना मुझसे जब भी तू झूठ बोलती है ना तेरी आवाज लड़खड़ाने लगती है तू मुझे सच सच बता क्या हुआ है देखो अब आंटी जी ये सही कह रही है वो घबराहट में इसके मुंह से निकल गई ऐसी कोई बात ही नहीं आंटी जी अभी को क्या होगा वो तो पुलिस फोर्स के साथ गया ना तो उसे कैसे कुछ हो सकता है और अब बुलबुल की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैं हूँ यहाँ पे इसके साथ प्रकृति जल्दी घर वापस आ जाएंगे आप प्लीज टेंशन मत लीजिए व्हाट इज रॉन्ग विद यू अपने इमोशंस पे थोड़ा तो कंट्रोल रखो अगर तुम ऐसे इमोशनल हो जाओगी तो हमारी फैमिलीज को कौन संभालेगा मैं क्या करूं पूरा मैं माँ को टेंशन में नहीं देख सकती इतनी मुश्किल से वो मुझ पे भरोसा करने लगी जाकर भी उनसे झूठ नहीं बोल पा रही थी पूरा और थैंक गॉड तुमने आकर सब कुछ संभाल लिया अगर उन्हें ये बात पता चल जाती ना तो मुझ पर गुस्सा हो जाती जहाँ इतनी देर हो गई वहां कुछ देर और से कुछ वक्त तो सब ठीक हो जाएगा अभी और प्रगति जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे क्या अभी रॉकस्टार बहुत जुबान चलती है ना तेरी और जुबान से ज्यादा तेरे हाथ चलते हैं रॉकस्टार है तो क्या मेरी बैंड बजाएगा हर बार देख क्या रहा है तेरे सामने खड़ा हूं मारना मार मारना मार क्यों हिम्मत नहीं है तुझमें हिम्मत तो अब तेरी दिखाई दे रही है तेरे कुत्तों के आने के बाद तेरा भौंकना शुरू हुआ है लेकिन तू सिर्फ भौंकेगा यार हाथ नीचे कर वरना तेरी पत्नी ऊपर होगी आज गिन गिन के बदले लूंगा तुझसे हर उस बेइज्जती का जो तूने सबके सामने किया है तो बस गिनती शुरू रख एक सबके सामने बेइज्जत करके मारने के लिए दो मेरी बुलबुल की सगाई किसी और के साथ करने के लिए मेरी बुलबुल की तेरी हिम्मत कैसे हुई तीन मत मारो इन्हें ए रघु मुंह बंद कर इसका चुप ए कमाल करती है प्रज्ञा जी गिनती भुला दी मुझसे हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हाँ दी हर पे सबके सामने धक्के देकर बेइज्जत करने के लिए चार मेरी बुलबुल को घर पे छोड़कर यहां पर आकर मेरा प्लान बिगाड़ने के लिए और ये पांच मेरा खूबसूरत सा वैलेंटाइन बर्बाद करने के लिए जितना प्यार मैं बुलबुल को आज तक करते आया हूं जितने सपने मैंने उसके लिए आज तक देखे हैं ना
उससे कई ज्यादा सपने मैंने एक दिन में देख लिए वैलेंटाइन डे के दिन, जिसे तूने तोड़ दिए। तुझको छोड़ूंगा नहीं मैं। बिल्कुल मेरा प्यार नहीं, मेरा जुनून बन चुका है और उसे तो मैं पाकर रहूंगा। ए घूर क्या रहा है? मन तो करता है जिन आंखों से तू घूर रहा है ना, उन्हें अपनी उंगलियों से निकाल कर गोटियां खेलूं। लेकिन नहीं, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है मिस्टर रॉकस्टार। अभी तो मैं तेरे सामने बुलबुल को छूऊंगा, उसको अपना बनाऊंगा, उसे देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं मारे इसे? मेरे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है कि इसे सबक सिखाया जाए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप इसे मारिए ना। प्रज्ञा जी, आपको क्या लगता है ये मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा? मार क्या होती है, आज मैं इसे बताऊंगा। ये मिताली भाभी हमेशा उन दोनों के साथ घूमती रहती है, इनसे बात करके देखती हूँ। मिताली भाभी, इस बुलबुल ने मुझे क्यों बुलाया? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मैं इसलिए देख रही थी कि तुमने मुझे बुलाने के बाद में ना कुछ बात तो की नहीं, ऐसे मुंह पे ताला लगा लिया। ऐसे मन ही मन सोचने लगी कि उस ताले की चाबी, मेरा मतलब है कि बात नहीं करनी थी मुझसे, तो फिर बुलाया क्यों मुझे? एक्चुअली मिताली भाभी, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है दीकी किडनैपिंग किसने की होगी? मुझे क्या पता किसने की, और तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे कि वो किडनैपर्स को किडनैपिंग करते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा और वो किडनैपर मेरा रिश्तेदार लगता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, और सब कुछ पता होते हुए मैं इस घर में किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मिताली भाभी। एक्चुअली किडनैपिंग हमेशा घर के बाहर से होती है, लेकिन दी की किडनैपिंग घर के अंदर से हुई, और ये तो तभी होगा ना जब घर के अंदर का कोई इंसान किडनैपर से मिला हो। आप ही सोचिए, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किडनैपिंग कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल सही बात सोची तुमने, घर का कोई हो सकता, लेकिन कौन हो सकता? मेरे तो सोचने में नहीं आई ये बात। शक है तुम्हें किसी पे? हाँ बोलो ना बुलबुल, तुम्हें किस पे शक है? वो कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि मैं उसे बहुत ही जल्द पकड़ने वाली हूँ। जी, बचा लो मुझे इस बुलबुल जासूस से। ये तो मतलब खुद सपने ससुराल जाने से पहले इस घर के किसी न किसी को बड़े ससुराल जरूर भेजेगी। इतना जल्दी थक गया? हाँ अब पता चला मार किसे कहते हैं, पता चला। अब समझ में आया कि ना मार क्या होता है, औरत का सहारा लेकर मार रहा है। हिम्मत है तो अकेले में हाथ उठा, फिर मैं बताता हूं तुझे मर्द क्या होता है। ए, क्या बोला तू? चूड़ी पहन के मामले, क्योंकि ना मर्द से मोर खाने से अच्छा है कि मैं किसी औरत से मोर खा लूं। बहुत झुका है तू, अपनी आंखें नीचे कर, अपना सर झुका, मेरे पैरों पे नाक रगड़ कर भीख मांग, रहम की भीख। मैं तेरी आंखों में मेरे लिए खौफ देखना चाहता हूँ, समझा? माफी तो दूर की बात, अगर तू मुझे जान से मार देगा ना, तब भी मैं तुझे माफी नहीं मांगूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? ये देख,